गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास हमने फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडी का स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें हमने बिजनेस के बारे में कंसेप्ट रीड कर लिया था और इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं फीचर्स के, करेक्टरिस्टिक्स के, ये हमने रीड कर लिए थे। आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे कि बिजनेस को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आई होप आपने पहले का जो चैप्टर, पहले की जो थ्योरी थी वो रीड आउट कर ली होगी। इसके बाद आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। वेरियस बिजनेस एक्टिविटी मे बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ये बोल रहे हैं कि जो बिजनेस हैं उनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है इंडस्ट्री, सेकेंड है कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या है? कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, मीन्स कि प्रोडक्शन करना, गुड्स की प्रोडक्शन करना, वो इंडस्ट्री में आता है। कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसिटी फॉर फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स कि सेवाओं का आदान प्रदान करने से है, मीन्स कि गुड्स के ट्रांसफ़र से इसका मीनिंग लिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कैटेगरीज वी मे क्लासीफाई बिजनेस फर्म इन टू इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एंटरप्राइज। मीन्स कि इन्होंने ये बोला है कि बेसिक दो कैटेगरीज हैं, वही जो मैंने पहले आपको बता दी हैं कौन कौन सी है, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कमर्शियल एंटरप्राइजेस। तो इसके बाद हम देखते हैं तीन चीज़ें इसमें हम देखेंगे, बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या है बिजनेस, क्या है प्रोफेशन, क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। फर्स्ट है हमारा मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे ये स्थापित किया जाता है। एंटरप्रेन्योर डिसाइड डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसिटी, मीन्स कि कैसे स्टार्ट होता है एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक मालिक होता है किसी फर्म का या कंपनी का। अगर उसका मतलब किसी पर्सन का अगर दिल है कि नया बिजनेस स्टार्ट करे तो वो कर सकता है, और थोड़ी सी इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। प्रोफेशन में क्या है? मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मींस कि इसमें सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है तो ही हम प्रोफेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है? एम्प्लॉयमेंट लेटर का होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर वही लोग आते हैं जो कि किसी शॉप्स वगैरह, सॉरी जॉब्स में, लाइक बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, वो उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर का होना ज़रूरी है। सेकेंड है नेचर ऑफ वर्क, मतलब कि काम कैसा होता है बिजनेस में, कैसा होता है काम, कि गुड्स और सर्विसेज हैं जो वो पब्लिक तक प्रोवाइड की करवाई जाती है। प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, मीन्स कि माल होता है, माल या सेवाएँ वगैरह प्रदान की जाती हैं लोगों को। प्रोफेशन में क्या है? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, मींस कि किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज दी जाती है, मींस कि किसी टीचर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है लोगों को। और थर्ड जो है परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूलर ऑफ सर्विसेज, मींस कि इसमें क्या करवाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम किया जाता है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखते हैं। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। एंड प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए स्पेसिफिक फील्ड में। स्पेसिफिक फील्ड का मतलब है अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टरी लाइन में उसकी क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए। इसके लिए भी क्या है? क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब अगर कोई बैंक में लगा है तो उसको नॉलेज तो होनी चाहिए ना बैंक की, या वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद रिवॉर्ड और रिटर्न, मीन्स कि काम के बदले में क्या मिलता है, इसको प्रॉफिट अर्न होता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसको इसकी फ़ीस मिलती है अगर डॉक्टर है, पेशेंट से फीस लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट में इनको सैलरी या वेजेस मिलते हैं। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ये तीनों बिजनेस को चलाने के लिए। इसके लिए अगर साइज़ के अकॉर्डिंग अगर छोटा बिजनेस करेंगे तो कम पैसा चाहिए, अगर बड़ा करेंगे तो ज़्यादा पैसा चाहिए। इसके बाद प्रोफेशन में लिमिटेड सा पैसा हमें चाहिए और इसके लिए नो कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब कोई कैपिटल हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमने तो किसी दूसरे के अंडर काम करना, लाइक बैंक में काम करना है, इसके लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सैलरी मिलती है। उसके बाद रिस्क का देखिए तो यहाँ रिस्क होता है,
रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसके बाद फीस जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क, मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है रिस्क होता है और इसमें क्या है कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमें तो सैलरी मिलनी है, हमारा कौन सा यहाँ बिजनेस होता है। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब मिलता है किसी चीज़ के बदले या पैसे के बदले या नहीं, इसमें पॉसिबल है, इसमें दोनों में नहीं पॉसिबल। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता, लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। इसमें कोई मतलब डिस्क्राइब नहीं किया गया कि कैसा है, इसमें क्या है, प्रोफेशन करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट का अच्छा होना तो ज़रूरी है ना। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड, मतलब कि प्रोफेशनल लोगों की तरह इसमें बात की जाती है और इसमें भी ऐसे है लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर किया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल दिया गया है, बिजनेस में क्या कुछ आता है, शॉप, फैक्ट्री, इसमें मेडिकल हो गया, चार्टर्ड अकाउंट मतलब CA वगैरह की जॉब होगी, इसमें जॉब इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। आप इन सबको रीड करोगे, उसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट जो हमारा इंडस्ट्री का था वो रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।